राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को बड़ा झटका देते हुए आपकी कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर निर्वाचित घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया था उन्हें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में वैध रूप से पारित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहां विकास की ऐसी बयार वही कि इस केंद्र शासित प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्रीय योजनाएं यहां लागू हो सकी और गांव देहात से लेकर शहरों तक में रह रहे लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिलने लगा, जिससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में फैसले के लिए उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रायबरेली पहुंची। रायबरेली में उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि डरना नहीं है, जातिगत जनगणना के लिए लड़ना है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर सोमवार को विधानसभा में संकल्प पास किया गया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राज्य मार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग नहीं कर सकते। मराठा आरक्षण के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के बिल का अध्ययन करने के बाद इस बिल को सदन के पटल पर रखा और यह पास हो गया और यह कोर्ट में भी रहेगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और किसानों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम और नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लगभग 1500 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश भी वितरित किए। पीएम ने कहा कि विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर के इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार, आप इतनी बड़ी संख्या में आ दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को इस मकसद को लेकर जो उत्साह है वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है, जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ, कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं, और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। आज जम्मू कश्मीर
विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहाँ 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहाँ से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहाँ सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। कुछ समय पहले तक यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। आज भारत गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, पक्के घर, गैस, टॉयलेट, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी अनेक सुविधाएं दे रहा है। ये इसलिए क्योंकि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी है। अब हमें आने वाले 5 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। इससे गरीब कल्याण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की देश की क्षमता कई गुना और बढ़ जाएगी। यहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कश्मीर की वादियों में लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे। इसका फायदा जम्मू कश्मीर के हर परिवार को होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे महत्वपूर्ण है। गृह मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा के लिए जनता की सराहना की। वहीं शाह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों की चर्चा की। इसके साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जीत दिलाने की भी अपील की। सबसे पहले मैं वीरों की भूमि राजस्थान की पूरी जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में राजस्थान के सामने आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी। हम 2019 में आए, आपने सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डाली। और अभी अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी भजन लाल के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। ये राजस्थान का संगठन, ये राजस्थान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी प्रदेश यूनिटों में सबसे अच्छा संगठन का जानकार अगर कोई एक प्रदेश है तो ये मेरा राजस्थान का प्रदेश है। मित्रों, जब मैं आज यहाँ आया हूँ तब 2 दिन पहले ही हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से दो नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार 400 पार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाई और बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा, इसका अर्जुन भी आप हो और इसके कृष्ण भी आप हो, आप ही को विजय यात्रा को आगे बढ़ाना है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम किया। हर गरीब को घर का घर दिया, शौचालय दिया, गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, 5 लाख तक की सभी दवाइयों का खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और देश भर में हर किसान को 6,000 मिल रहा है। भजन लाल जी ने 6,000 की जगह राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपया देने का काम किया। भजन लाल जी ने, भाजपा सरकार ने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर हर गरीब को देने का काम किया है। 70 लाख से ज्यादा माताओं को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम भजनलाल शर्मा की सरकार ने किया है। और मित्रों, आज वो कश्मीर, जिस कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया, हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हमेशा के लिए हटा दिया और आज ये कश्मीर, जहां हर रोज बम धमाके होते थे, आज भारत माता का मुकुटमणि कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता के मुकुट पर है और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हाथ नहीं लगा सकती। ये नरेंद्र मोदी ने किया है। भाई और बहनों, हमने वादा किया था हिमाचल में पालमपुर कार्यकारिणी में कि हम राम मंदिर बनाएंगे और इस 22 जनवरी 2024 को वो दिन आ गया। मोदी जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे भारत को हर्षित और आनंदित कर दिया। मोदी जी के 10 साल भारत के गौरव के 10 और मोदी जी के 10 साल ये भारत के उत्कर्ष और विकास के 10 साल। आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होना तय है। मोदी जी ने भारत के युवाओं के सामने 2047 में जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे तब कैसा भारत हो, इसका एक महान स्वप्न रखा है। 2047 में संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर भारत, हम भारत को बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। राजस्थान की जनता ने 2 बार मोदी जी को खूब वोट दिए, सभी की सभी सीटें दी। अब तीसरी बार भी एक कर एक इंजन की सरकार तो यहाँ बना दी आपने भजनलाल जी की, और दूसरा इंजन भी फिर से रिपीट करना है मोदी जी वाला, जिससे देश का विकास हो। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दूसरे दिन AI कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी छवि बदली है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर कर देश के असीमित क्षमता वाले राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। CM ने कहा कि PM मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही CM ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सफलता प्राप्त हुई है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी दुगनी करने में सफलता मिली है। आज के इस FDI कॉन्क्लेव में उपस्थित केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं पिछले
6-7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपनी इमेज को बदला है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। और अगर कहें तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर यह माना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। तो इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था जिसे हम सब ने अपने मिशन के रूप में लेकर के और प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में भी स्थापित है और FDI और फॉर्चून ग्लोबल 500 पॉलिसी लाने वाला देश के किसी राज्य में से पहला राज्य बन चुका है जो इस प्रकार की पॉलिसी लेकर के आया है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की FDI से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना FDI यूपी में आया था 19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना FDI यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। FDI से संबंधित जो कॉन्क्लेव है या अपने उन सभी FDI और फॉर्चून 500 जो कंपनियां हैं उनको प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक निवेश करने और इस पॉलिसी का लाभ लेने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं उनका उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित होगा और उन्हें बिजनेस का एक नया आनंद प्रदान करने में योगदान देगा। आप सबके प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price.
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। IIT भिलाई के नालंदा व्याख्यान कक्ष में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CM साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना होगा, वो भी सहभागी बनेगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हो, इसका मूल मंत्र शिक्षा है। CM ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास भी दिया जाएगा, जिससे वह नौकरी की ही दौड़ में ना रहें, बल्कि उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हों। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 32,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात इस देश को दिए हैं, जिसमें हम लोग भी सहभागी हैं, छत्तीसगढ़ भी सहभागी है। आज भिलाई स्थित IIT परिसर को राष्ट्र को समर्पित किए हैं और कवर्धा में एक नवोदय विद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किए हैं और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस्पात नगरी भिलाई और यहाँ के IIT परिसर में एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम सब लोग साक्षी बने हैं। आज IIT परिसर भिलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है और हम इस अवसर में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आने वाला 2047 तक विकसित भारत की उन्होंने कल्पना की है। विकसित भारत कहने से हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमारा ये देश 10वें से भी नीचे खड़ा था, उसको 5वें स्थान में लाके खड़ा किए हैं। और विकसित भारत की परिकल्पना मतलब 2047 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 में से एक स्थान भारत का रहे, ऐसा प्रयास है। और विकसित भारत इसका मतलब कि हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी करना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को सहभागी बनेगा, तभी विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। और हर क्षेत्र में विकास, इसका मूल मंत्र है शिक्षा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में मानव को या प्रदेश को या देश को विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम लोग को करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ जब 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी वो सब यहाँ पर ला के खड़ा किए छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज ये IIT अगर यहाँ पर है तो उसी शासन काल और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल का है। अगर छत्तीसगढ़ में और भी IIM, IIM, नीट ये सब जो आया है, शिक्षा के जितने भी संस्थान है सब 15 साल के कार्यकाल में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू हुआ है। और कल ही हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए PM श्री योजना का भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कल से ही हुआ है। PM श्री योजना का मतलब जो हमारे केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल विद्यालय है, उसके साथ साथ और भी जो सरकारी विद्यालय है उनकी गुणवत्ता मतलब बढ़े और शिक्षा के साथ साथ वहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो, वहाँ पर कौशल विकास का भी काम हो, ये PM श्री योजना का उद्देश्य है। और 211 स्कूलों को कल PM श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतर प्राइमरी स्कूल हैं और कुछ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी हैं। इसमें पूरा बजट केंद्र शासन से मिलेगा और ये जो 211 जो विद्यालय PM श्री में शामिल हुए हैं, इनमें पर्याप्त मतलब भवन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई की सारी व्यवस्था वहां पर रहेगी, अच्छे टीचर्स रहेंगे, इस तरह से सारी व्यवस्था PM श्री योजना के तहत में ऐसे 211 स्कूलों में किया जाएगा। तरह से आगे और भी छत्तीसगढ़ में
शिक्षा का स्तर और बदले, इसके लिए भारत सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं ज्यादा वक्त नहीं कह बिताते हुए इस IIT भिलाई को 7 साल ही हुए हैं, लेकिन 7 साल में ही IIT भिलाई ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और अब तो स्वयं का सब कुछ भवन वगैरह हो गया है, तो दूने उत्साह के साथ हमारे यहाँ के बच्चे और भी अध्यापन अध्ययन और शोध का काम करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत, तो उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को भी पूरा करने में सहयोगी बनेंगे, ऐसा IIT भिलाई परिवार के साथ हमारी शुभकामनाएं है। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दिल्ली में बढ़े हुए पानी के बिलों के विषय में चर्चा करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान अतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोग बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान हैं। लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आई है। उन्होंने बताया कि LGBK सक्सेना को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद इस स्कीम को लागू नहीं होने दिया जा रहा। अतिशी ने बताया कि दिल्ली के लोगों का आक्रोश विधायकों के माध्यम से आज दिल्ली विधानसभा में देखने को मिला है और इस स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। आज के दिन दिल्ली के लोगों के लिए अगर कोई सबसे बड़ा और सबसे परेशान करने वाला ज्वलंत मुद्दा है, वो है उनके घरों में आ रहे बढ़े हुए अनाप शनाप पानी के बिल। ये समस्या पिछले 1.5 साल से चल रही है। कुछ हद तक इस वजह से चल रही है कि कोविड के दौरान मीटर रीडर्स बिना मीटर रीडिंग दिए बिल देते गए, बिल बढ़ते गए। आज एक आम परिवारों को किसी को 40,000 का, 80,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख तक का पानी का बिल आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, दिल्ली जल बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि हम एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आएंगे, जिसके तहत आपके पुराने बिलों की औसत के अनुसार आपके बिल को ठीक किया जाएगा। आज दिल्ली के लोग वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अपने पानी के बिलों के लिए चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रच के इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पास होने से रोका है। आज भारतीय जनता पार्टी का, उनके LG साहब का, दिल्ली सरकार के पूरी अफसरशाही के तंत्र पर कंट्रोल है और वो आज इस कंट्रोल के माध्यम से ये पानी के बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोक रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार के साथ हैं। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी उनके पानी के बिल ठीक करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोक रही है। हमने LG साहब से भी आग्रह किया कि इस प्रकार का संवैधानिक संकट लेके दिल्ली में मत आइए कि अफसर अब मंत्रियों की बात नहीं मान रहे। हमने LG साहब से भी कहा कि दिल्ली के लोग पानी के बिलों से परेशान हैं, लेकिन अभी तक अफसरों ने इस पॉलिसी को, बिल ठीक करने की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पास करने से और लागू करने से मना कर दिया। आज हमने दिल्ली विधानसभा में देखा कि जो दिल्ली के लोगों का आक्रोश है वो विधायकों के माध्यम से विधानसभा में दिखा, उस वजह से आज विधानसभा के सत्र को भी स्थगित करना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता रही हूँ कि आज जो आक्रोश दिल्ली की विधानसभा में दिख रहा है, यही आक्रोश दिल्ली की सड़कों में दिखेगा अगर पानी की बिल की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम नहीं आई। अगर आपने अफसरों के माध्यम से इस स्कीम को रोका, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगा और इस स्कीम को पास कराएगा। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आ
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।